आज हैप्पी टीचर्स डे है, वहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, आई लव यू माय टीचर्स, और वहाँ पे गुब्बारे भी लगा रखे हैं, वहाँ पे फूल भी लगा रखे हैं, और वहाँ पे उस घर पे लिखा रखा है हैप्पी टीचर्स डे, और वहाँ पे भी हमने गुब्बारे रख रखे हैं, और उस पेन के ऊपर हम भी गुब्बारे लगा रखे हैं हमने टेबल पे चढ़ के, और इस फैन के ऊपर भी हमने गुब्बारे लगा रखे हैं और इस पर फूल रखे हैं, क्योंकि जब सर आएंगे तब फैन को चला के फूल बिखेरेंगे, और यहाँ पे एक गुब्बारा लगा रखा है जिसमें कोई भी एक बॉय जाएगा और उसको फोड़ेगा, उसके अंदर फूल भी है, सर का स्वागत करेंगे, और ये मेरी पूरी क्लास है, इसमें गर्ल्स और बॉय दोनों ही हैं। और हम अब सर को बुलाने जा रहे हैं, कोई भी बॉय जाएगा और सर को बुला के लेके आएगा। वो हमारे सर आ गए। हैप्पी टीचर्स डे सर। वो हमारे सर आ गए, हम सभी को बोल रहे हैं थैंक यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टीचर्स डे पर अपनी क्लासरूम को सजाया, और मैं देख रहा हूँ कि बलून लगा रखे हैं पंखुड़ियों पे आपने फूलों की पंखुड़ियाँ भी रख रखी थी, बहुत अच्छा लगा, और ग्रीन बोर्ड को भी सजाया है, मतलब टीचर्स के प्रति काफ़ी क्या बोलते हैं, मतलब टीचर्स के प्रति आप लोग काफ़ी उत्साहित हो टीचर्स डे पर, बहुत अच्छा है। और आपको पता है क्यों मनाया जाता है टीचर्स डे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करवाई, तब से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप में से मैं कोई स्टूडेंट यदि बोलना चाहे दो शब्द तो बोल सकते हैं, है ना? लो, आप बोलना चाह रहे हो, आ जाओ, बहुत अच्छा। आज हैप्पी टीचर्स डे है, टीचर्स डे है, हमारे सर के लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे सर में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गणित बहुत हार्ड है, परंतु हमें सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम बहुत समझाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? आ जाओ, बोलो। आज टीचर्स डे है, और सर के लिए हमने पूरे रूम को सजाया है, और हमें सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और गणित बहुत हार्ड है, लेकिन सर हमें बहुत अच्छा समझाते हैं गणित के अंदर। और सर आपको कैसा लगा हमारा डेकोरेशन, आप प्लीज़ बताइए। आप लोगों का डेकोरेशन काबिले तारीफ है बेटा, आप लोगों ने इतनी मेहनत की। देखो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि पंखे के ऊपर गुब्बारे लगा रखे हैं, इस पे भी लगा रखे हैं, वहाँ भी एंट्री भी आपने शानदार बनवाई, गुब्बारा फोड़ते ही फूल मेरे ऊपर बरसे, मैं क्लास में आया तो देखो कितना प्यारा डेकोरेशन आप लोगों ने किया है। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, कक्षा 8 के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई में सभी होशियार है, अच्छे हैं, सभी अच्छे से मेहनत करते हैं, सभी टीचर्स के पढ़ाए हुए को अच्छा पढ़ के लाते हैं, होमवर्क अच्छा करते हैं, बस आप ऐसे ही करते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा हम लोग भी आगे
नहीं बढ़ेंगे, आपका डाउट क्लियर करवा कर ही आगे बढ़ेंगे। और अक्सर गणित विषय में बच्चे थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, गणित विषय का अध्यापक मैं हूँ यहाँ पर, तो आप मुझसे दो बार चार बार पांच बार जितनी मर्जी आए आप पूछो, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप पांच बार भी पूछोगे तो मैं सहर्ष बताऊँगा, बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप मुझसे पांच बार भी पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस सवाल के पीछे पड़े हुए हो, और जब वो नहीं आ रहा आप कोशिश करने के बाद भी तब आप मेरे पास पूछने आए हो। और मैं कहता हूँ कि हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आप सबकी पढ़ाई के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं, और आज क्लासरूम और टीचर्स डे के डेकोरेशन के लिए आप सबको थैंक यू कहता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, एक बार इनको चलो कर दूंगा तुम देख।